हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिविर टाइनी वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वर्जिन कोकोनट ऑयल बेबी के लिए अच्छा है और कैसे ये नॉर्मल कोकोनट ऑयल से बेटर है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल चूज करना चाहिए ओवर द नॉर्मल कोकोनट ऑयल, क्योंकि एज यू नो कि कॉस्ट में भी बहुत डिफरेंस है। जहां पे वर्जिन कोकोनट ऑयल की एक ये वाली 500 ml की बॉटल आपको पड़ती है 375 rupees की, वही नॉर्मल कोकोनट ऑयल आपको 500 ml पड़ जाता है 280 या 250 rupees में। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसके रीजंस, क्योंकि मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है। शुरू से मैं शिविर के लिए नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही यूज कर रही थी, क्योंकि मुझे खुद को वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में नहीं पता था। पर जैसे ही मुझे पता चला और मैंने ऑर्डर किया और जब मैंने खुद यूज किया तो मैंने खुद देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। तो चलिए मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि कैसे बेटर है। मैंने काफी इस पे सर्च किया तब मुझे पता चला कि वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने के लिए कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से काफी जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है उनको इंटैक्ट रखा जाता है, उनको सेफ रखा जाता है वर्जिन कोकोनट ऑयल में। वही नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल है वो बनता है आपका हीट प्रेस टेक्नोलॉजी से, तो उसमें काफी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपके किल हो जाते हैं। एंड वहीं अभी हम बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा रीजन है, जो आपने भी फील किया होगा कि जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है वो बहुत ना चिपचिपा सा होता है, जैसे नहलाने के बाद आपको लगता है कि बच्चे को कोकोनट ऑयल, सब लोग कहते हैं कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बेस्ट बॉडी लोशन है कोकोनट ऑयल, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चा चिपचिपा सा हो जाता है। पर वर्जिन कोकोनट ऑयल बच्चे को प्रॉपर बॉडी लोशन जैसा ना चिकनाई भी देता है, बॉडी एकदम यू नो स्मूथ भी रहती है, ड्राई नहीं रहती है, और साथ ही वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई क्रीम ही बच्चे को लगाई हो। नाउ थर्ड जो रीजन है, जो आपने देखा वो कोकोनट ऑयल है, वो हल्का सा येल्लोइश शेड में होता है, बहुत ही हल्का येल्लोइश। वहीं जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, बिल्कुल आपको खुद लगेगा कि हाँ एकदम आप प्योर कोकोनट ऑयल आप बच्चे को लगा रहे हो। वहीं एक फोर्थ रीजन है, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो बनता है ड्राई कोकोनट से, वहीं हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो बनता है कोकोनट मिल्क से, यानी कि प्योर कोकोनट मिल्क से बन रहा है वो, तो बहुत बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। मतलब मुझे खुद यूज करके लगा कि हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल ही बच्चे के लिए यूज करना चाहिए। एंड मैं खुद इवन आप इसको विंटर्स में भी यूज कर सकते हो, आप इसको समर्स में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो ये हल्का सा नॉर्मल कोकोनट ऑयल जहाँ पे हीट बच्चे को देता है, जैसे हम सर्दियों में ज्यादातर यूज करते हैं, पर वर्जिन कोकोनट ऑयल आप विंटर्स में भी यूज कर सकते हो एंड एज वेल एज आप समर्स में भी यूज कर सकते हो। तो मैं खुद शिविर के लिए इस टाइम कोई बॉडी लोशन यूज नहीं कर रही हूँ, मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई बॉडी लोशन नहीं है। क्योंकि बॉडी लोशन आप लगाओ लेकिन आप देखोगे कि 2 से 3 घंटे बाद बेबी की स्किन फिर से वही ड्राई ड्राई आपको लगेगी। एंड इसको आप बॉडी पे लगाने के साथ साथ ना बच्चे को हल्का सा मसाज भी आप बच्चे को दे सकते हो, जहाँ के आप नॉर्मल बॉडी लोशन से बच्चे को मसाज नहीं दे सकते हो। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो 100% प्योर और ऑर्गेनिक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मॉम्स के साथ शेयर करें जिन्हें वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में नहीं पता है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिविर टाइनी वर्ल्ड। थैंक यू सो मच गाइज।